हम देखेंगे तो हमारी जो सांस की रिदम है वो थोड़ी शांत हो गई। इसीलिए मैं एक आइडिया कायम कहता हूं कि जब टेंशन में हो तब 1 मिनट में कितने सांस चलते हैं, और जब आप टेंशन में नहीं हो फुल आनंद में हो तो कितने सांस चल रहे हैं, वो आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि सांस का सीधा संबंध मानसिक टेंशन और मानसिक हैप्पीनेस, मानसिक दुख, मानसिक सुख साथ संबंधित है। इसी बेस को लेकर सांस की जो रिदम है वो रिदम की टेक्निक सीखने का इसके पीछे आशय है। दूसरी बात, अब अगर हमें सांस की चीज करने की है तो एक सिंपल चीज मैं आपको बताऊंगा। जैसा मैंने बताया कि हम आनंद में होते हैं तब मानो कि हमारा 12-13 सांस चलता है, पर टेंशन में होते तो 20-22 हो जाता है। तो हम कुछ भी प्रयोग करके धीरे 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 करके हम 12-13 पे आ जाएंगे मिनट के, तो अपने आप हमको चारों ओर आनंद दिखाई देगा। ये इसका बेसिक उद्देश्य है। तो ये उद्देश्य के लिए सबसे पहले हमें सांस की टेक्निक समझनी चाहिए, जिसको मैं सांस माला बोलता हूं। जैसे मानो कि सांस हम ऐसे बैठेंगे, नेचर ऐसे कोशिश मत करो, सांस ऐसे मत लो, लेट गो नेचर। देखो यहां सांस है, यहां है, यहां है। तो सांस जो है चलता है, कभी कभी किसी को यहां भी रुकता है, लेकिन इसको नेचुरल जाने। ऐसे नेचुरल सांस एक प्रैक्टिस करने के लिए मैं सबको बताता हूं, जब भी कभी ऐसे फ्री बैठे हो तो एक ही एक्शन में बैठ जाओ, और नेचुरल सांस है तो नेचुरल सांस को आप कांस्टेंट ऐसे कैलकुलेशन करो। नेचुरल सांस अगर आप मानो कि हमने 21, तो 21 नेचुरल सांस रोज लेना है। तो ऐसे एक प्रयोग करने से, एक जिसको बोलते हैं सांस माला, सांस माला जो हम करेंगे तो इस सांस माला से एक प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसे ऐसे करके 108 तक चले जाओ। मैं तो ऐसा बोलता हूं कुछ ना करो तो हर रोज 21 सांस माला तो करो, ऐसे एक सांस माला हो। अब तीसरा स्टेप है जो मैंने आपको सिखाया है, और जो नहीं आया है उसको मालूम पड़ेगा। तीसरा स्टेप ये है कि ये जो सांस हमारा जाता है तो सांस जाने के बाद छोड़ तो अपने आप ऊपर आएगा। अपने आप ऊपर जो सांस आता है तो आते आते इस चक्र से जैसे बाहर निकल रहा है, तो जैसे निकलेगा वो अपने आप अंदर जाएगा। तो एक बात तो हो गई कि सांस का अंदर जाना और बाहर जाना वो नेचुरल है। आप बोलेंगे ऐसे कैसा है, तो आंसर इज दैट व्हेन यू आर स्लीपिंग, हम सो गए हैं तो थोड़ा ध्यान देते हैं ऐसा सांस लेने का। सांस जाता है निकलता है, मतलब क्या है कि सांस का अपने आप जाना अपने आप निकलना। तो इन जो चक्र चलता है तो इसमें हमारे बॉडी के अंदर 5 चक्र है, यहाँ हम, यम, रम, इसके नीचे वम और छेद नीचे लम, ये 5 नीचे। इसको योगा में बोलते हैं, मैंने आपको सिखाया नहीं है, जिसको नहीं मालूम उसको याद आ जाएगा। ये जो है यहाँ विशुद्धा के चक्र है, यहाँ अनाहत चक्र है, यहाँ जो चक्र है मणिपुर चक्र है, इसके नीचे स्वाधिष्ठान चक्र है, और इसके नीचे जो चक्र है वो चक्र मूलाधार चक्र है। तो इन चक्रों में सांस जाता है निकलता है। तो ये प्रैक्टिस जो मैं कराता हूं, ये प्रैक्टिस को हम बोलते हैं मेडिटेशन। तो ये मेडिटेशन के लिए हम अभी मैं बताऊंगा हम करेंगे मेडिटेशन। और इसके बाद जो फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप में क्या है कि चक्र अंदर से बाहर आता है, बाहर ऐसा हम मेडिटेशन, तो फिर हम खाली यहां तक का 5 चक्रों का करते हैं। इसके आगे यहां
आज्ञा चक्र है और सहस्रार चक्र है। ये सभी चक्रों में हमें प्रवास करना है। अब हम तीसरे स्टेप से चालू करेंगे। अगला जो दो है मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है, जो मालूम ना पड़े तो हम पीछे इसके बाद आफ्टर एंडिंग द सेशन आई विल गोइंग टू आंसर व्हाट एवर द क्वेश्चन ईच एवरीबॉडी आई विल आंसर। नाउ लुक, जस्ट सिट इन इजी पोजिशन, व्हाट एवर द पोजिशन यू लाइक। इफ यू डू पद्मासन देन यू डू पद्मासन, इफ यू कैन डू एनी आसन नो प्रॉब्लम, बट इट द बेसिक थिंग व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, एक बार जो बॉडी का एंगल पकड़ लिया उसको मूव मत करे। मन जाए तो जाने दे, मत जाने दे शरीर। ये शरीर हमने पकड़ लिया तो मन तो घूमने लगेगा, ऐसे बैठेगा कि यहां जाओ यहां जाओ, यहां बैठे बैठे विचार आएगा कि चलो ये लाइट बल्ब बंद करे, ये क्या करे, ऐसा सब आपको विचार आएगा। लेकिन एक बार बैठ गए फिर हिलना नहीं। तो बैठने के बाद, ऐसे बैठने के बाद हमें खाली सांस को वॉच करना है, जस्ट वॉच द ब्रीथिंग, जस्ट वॉच। जैसे हम यहां बैठे हैं तो ये सांस को हमने लिया, छह नीचे जाने दो अपने आप, छह नीचे, वो आपको फील होगा। एक्चुअली सांस को फिर साथ यहां खत्म हो जाता है, थोड़ा जाएगा, फिर भी हम फील करेंगे। छेक नीचे सांस चला गया, फिर हम छोड़ देंगे तो अपने आप देखो सांस ऊपर आना लगेगा, तो मूलाधार चक्र आएगा, इसके बाद स्वाधिष्ठान, इसके बाद मणिपुर, इसके बाद यहां अनाद, इसके बाद यहां आएगा विशुद्धा के चक्र, फिर सांस को ऊपर जाने देना है। तो सांस की ऐसी गति है। मैं इसमें ये कराता हूं, सिखाता हूं कि जैसे हमने सांस लिया, जैसे हम छोड़ते हैं नीचे से ऊपर आता है, तो मूलाधार चक्र में हमें रुक जाना है। रुक जाएगी तो वहां चार मैंने बताया है, चार सेशन और उन दिन आपको बताएगी। तो चार जो चीज है तो चार दिशा है, मतलब कि वहां चार बार कोई मंत्र करो। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों, तो हमारा ध्यान इसमें जाएगा मंत्र में, फिर ये चार मंत्र करने के बाद ऊपर आएंगे, फिर एक ही बार बोल। अब जैसे मान लो कि अभी हेमा बहन ने बात किया कि मीना बहन से, तो भाई कुछ ना आया तो गंग गणपते ही नभा। तो जैसे हमने सांस लिया, ओम गंग गणपते नभा मन में बोलना, फिर ऊपर आया मूलाधार चक्र में आया, वहां रुक गए, वहां चार बार चार दिशा में ओम गण गणपते देगा, ओम गण गणपते, ओम गण गणपते, ओम गण गणपते बोला, मन में ही बोलने का है, फिर छोड़ दिया तो धीरे धीरे सांस ऊपर आएगा नाभि में। यहां सिर्फ एक बार बोलो ओम गण गणपते, यहां अनाहत में ओम गण गणपते, यहां आएगा ओम गण गणपते, फिर जाने दे आकाश में जाके बोलेगा ओम गण गणपते नमः। जैसे वो आएगा तो अपने आप देखना, फिर अंदर सांस चला जाएगा अपने आप। जैसे देखो ये मैं बैठा हूं, देखो अंदर गया सांस, तो अपने आप जाता है। तो जो अपने आप फिर से सांस अंदर जाता है तो गले पे फिर ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, मूलाधार में ओम गंग गणपते, छिप पाकार में चले जाओ ओम गंग गणपते नमः। जैसे छोड़ेंगे तो अपने आप सांस अंदर आने लगेगा, फिर आप ऊपर आएंगे ओम गंग गणपते नमः, मूलाधार में एक ही बार, फिर यहाँ आएंगे स्वाधिष्ठान, यहाँ छह बार बोलने का है ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, छह बार बोलने के बाद अपने आप ऊपर आएगा ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, फिर आकाश में चलेगा ओम गंग गणपते नमः, तो अपने आप फिर से अंदर आएगा।
फिर से जैसे जैसे नीचे आएगा ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते, ओम गण गणपते, मूलाधार में ओम गण, छे पाताल में चलेंगे ओम गण गणपते नमः, फिर धीरे 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 ऊपर आएगा मूलाधार में ओम गणपते नमः, फिर ऊपर आया ओम गण गणपते नमः, यहाँ नाभि में आ गए वहां 10 बार बोलने का है, 10 दिशा है, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते 10 बार बोले फिर हम ऊपर आएंगे, फिर ऊपर आएंगे यहाँ ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, फिर आकाश में चलेंगे। जैसे वे अपने अपने आप सांस अंदर आने लगेगा, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते, ओम ओम पाताल में चले ओम, फिर से सांस ऊपर आएगा ओम गण गणपते नमः। नाभि में भी एक बड़ा रंजन यहाँ हृदय में आएगा, ये स्थान जो है एक अनाहत चक्र है, यहाँ 12 बार बोलने का है, 12 दिशा है, ओम नमः शिवाय, ओम गणपते नमः, फिर ऊपर आए ओम गणपते, फिर आकाश में चले गए, अपने आप सांस अंदर आने लगेगा, ओम गणपते नमः, ओम गणपते, ओम गणपते, ओम गणपते, से नीचे चले गए ओम नमः, पाताल से धीरे धीरे ऊपर हम आएंगे, तो फिर ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ओम गणपते, यहाँ फिर अनाहत में एक ही बार ओम गणपते, तो कंठ में आएगा यहाँ 16 बार, 16 पंखड़िया आप वहां चित्र देखेंगे, वहां चित्र लगाया है पारुलगंज ने, तो 16 बार है, ओम गणपते नमः, ओम गणपते, ओम गणपते, ओम गण गणपते, 16 बार हो गया, फिर अपने आप ऊपर चले जाएगा, फिर ऊपर से फिर नीचे आएगी, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते, पाताल में चलेंगे, पाताल से फिर से ऊपर आएगी, ऊपर आएगी तो मूलाधार चक्र में ओम गण गणपते नमः, स्वाधिष्ठान में ओम गण गणपते नमः, नाभि में आएंगे ओम गण गणपते, एक ही बार बोलने का, बोलने के बाद धीरे से हमारा प्राणायाम बंद करने का है, फिर ऐसे हाथ पर पूरे शरीर पे छूना, ये पूरे प्रोसेस में आपको लगेगा मैं क्या कर रहा हूं, इसका जवाब बहुत अच्छा है, ये प्रोसेस में हमारा ध्यान कहाँ गया, ये गिनने में, हम गिनते रहे चक्रों को देखते रहे, बॉडी तो ऐसी ही रही, तो मन जो है वो गिनते में घुस गया, बॉडी वैसे ही वैसी रही, तो अपने आप लग गया, जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं ध्यान, हम खो जाते हैं इसमें, पूरे खो जाते हैं, तो ये मेडिटेशन है, तो आप मंत्र अपने हिसाब से मन में नक्की कर लो, और मन में नक्की करने के बाद वहां मैं पारुल बहन को बोलता हूं, पारुल बहन वहां आ जाए और पारुल बहन ये करके दिखाए, चालू करते हैं। अब जो किसी को क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। पारुल बहन ओके जी? यस, वी कैन स्टार्ट मेडिटेशन, देन वी विल डू क्वेश्चन आंसर। हाउ अबाउट दैट? हाँ, बरोबर, दैट इज फाइन। वन थिंग, सी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन नाउ बिफोर वी स्टार्ट, यू गो अहेड एंड आस्क, वी आर ओके विद दैट टू। नो प्रॉब्लम, या इफ एनीबॉडी वांट टू आस्क, नो प्रॉब्लम, I am ready to answer them. Or we can go in the rhythm and do the meditation, then come out of it. Ah, yeah. Do you have one question? Yes, go ahead. एक श्वास में ऊपर ने नीचे गणवानू के श्वास वच्चे वच्चे मारा तो ब्रेक था इसे. Yeah, श्वास में. एनी चिंता ना कर बेटा, तू एक तरह सरस को श्वास जी जाए इसे, वहाँ तुम्हें श्वास अंदर कर. બ્રેક થાય છે કે નથી થતો એ ગણવાની જરૂર નથી, શ્વાસ શ્વાસ જે વહી રહ્યો છે એ જોવાનું છે, તમે જે બ્રેક તરફ ગયા તમારું ધ્યાન આલી ગયા છે, શ્વાસને તો બ્રેક થાય કે જે થાય એની ચિંતા નહીં, તમે શ્વાસની ગતિના એ ગતિમાં જ ચાલ્યા કરો, શ્વાસની ગતિ જે છે આમાં મેઇન ખૂબી શું છે, શરીર આપણે હલાવવાનું નથી, એટલે મન મન બિચારું શું કરે, મન ઊંધું છતું કઈ નું કઈ ખોર્યા કરે, મન એવું કઈ નું કઈ ખોર્યા કરે
કે આમ હાલી જવું આમ હાલવું, તો આપણે હાલવું જ નથી પછી શું? આપણે તો પેલું પોઈન્ટ આવે ત્યાં મંત્ર બોલવાના છે, યાદ રાખવાના છે, પેલો પવન વહી રહ્યો છે અંદર. એટલે હા બેન, કે તમે જે શ્વાસ, હવે દાખલા તરીકે મેં શ્વાસ લીધો અત્યારે, જુઓ ગરામાં છે, મારું છાતીમાં ગયું, નાભીમાં ગયું, આ નીચે ગયું, પછી એકદમ લીધો મૂળમાં, અર્થાત કે હું જુદા જુદા પોઈન્ટમાં ફરી શકું છું. પણ એ કેમ? પ્રેક્ટિસ થી આવશે. મેઇન થિંગ ઇઝ પ્રેક્ટિસ. આમાં જો વી આર ફિલિંગ, યુ નો, ફીલ તમને ધીરે ધીરે પછી આઈડિયા આવશે. એટલે એક વખત તૂટી જાય તો તૂટી જવા દે શ્વાસને, પણ શરીર હલાવતી નહીં બેન. ઓકે, તું સમજી મારો પોઈન્ટ? આપણે શરીર હલાવવું નથી, શરીર એની એજ એક્શનમાં. પછી એનો અર્થ એવો થયો કે શરીર એની એજ એક્શનમાં રહ્યો, એટલે આપણે મનનો ઝઘડો શરીર હલાવવામાં જો ખસી ગયો, પણ મનનો સ્વભાવ ઝઘડવાનો છે. એટલે એક ઝઘડો કરશે કે શ્વાસ તો તૂટી ગયો, હવે બે ને છ નું હોય, મારે ગણવાનું ધ્યાન રાખને, આપણે ગણતરી ચૂકી જઈએ. આ મન એટલું બદમાશ છે બેન કે આપણને બીજી જગ્યાએ પરોવી દે. એટલે આપણે પેલા ગણવામાં આવી ગયા એટલે પાછા ગણવા માંડ્યા, નકર પેલા ચાર જતા રહે, પાછા બાર જતા રહે. એટલે પેલા તે ગણવામાં ધ્યાન હશે ને, એટલે ધીરે 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 એની મેં તો શ્વાસ રિધમમાં આવી જશે. કારણ કે છૂટકો જ ને, મનનો સ્વભાવ વિચિત્ર છે બેન. કઈ ને કઈ શંકા, અરે તું આમ બેઠા છે ધ્યાનમાં, એ પેલા આપણે તરત વિચાર આવે કે ગેરસાલી પેલી દાર મૂકી નથી મૂકી, વિચાર આવતો. તમે અહીં બેઠા છો ને, વિચાર આવશે, અલ પેલી રૂમમાં પંખો ચાલુ રહી ગયો છે, આપણે મનને ધ્યાનમાં બેસાડવું જ નથી. એને જગ મારીને ગણતરીમાં રહેવું હોય તો આવી જાય, ગણતરીમાં રહેવાનું એટલે નેચરલ ધ્યાન થઈ જાય. શ્વાસને ઉપર જતાની સાથે કરતા ગણતરીમાં વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. રાઈટ, ગણતરી જ મેઈન, ગણતરી ચૂકી ગયા તો ગયા. ઓકે, એવું નથી કે મારે એક જ શ્વાસમાં સાથે સાત જગ્યાએ બોલવાનું છે, ના, એવું કોઈ જરૂર નથી. આપણે બધા પોઈન્ટ પસાર થવાના છે, એ તો હમણાં પારુલબેન કરાવે છે, એટલે તમને આખો આઈડિયા આવશે, એટલું ચિત્ર બતાવશે. ઓકે, સો બિફોર વી સ્ટાર્ટ આઈ વોન્ટ ટુ ગો ઓવર ધીસ રીઅલ ક્વિક, સો એવરીબડી રીમેમ્બર ધ પેટલ્સ. ઓકે, so when I meditate with you guys, I don't want to break the link. So this is just the posture. Here is the lam, vam, ram, yam, ham, om. So all these lam, vam, ram, yam and ham, we're going to finish 108 mala. Okay, so that is called easy chakra beej mantra chanting, but at the same time it's another way doing the dhyan, and doing that will help us concentration, meditation, good mind, body, emotion, with helping and healing the chakra. So practice require every single day. So this is right. Just starting. Doesn't happen overnight. It depends how much you involve within you in rather than out. Okay? And yeah. Now, as Raju Bhai mentioned all this, this is all that he made this for me and all of us. So I'm just explaining this. This is his idea to do the easy way chakra meditation rather than thinking about reading about a lot of other aspect of books and different method. Okay, so what happens here? Lam has four petals. Vam has six petals. Ram has 10. Yam is 12 petals. Ham is 16. Right now we're not worried about the higher petals, which is third eye and the crown chakra. We'll do as we go along. Okay. So these four petals, when we do the mantra, your focus, as soon as you go down and come back, you have to look for direction and do the beej mantra right there, then one and six. So I'm going to walk with you, we'll do all along, but if you forget, just look at here.